हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं क्या सच में स्वर्ग और नर्क होते हैं। तो चलो, स्वर्ग और नर्क कैसे होते हैं देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में स्वर्ग और नर्क होता है? प्रिय दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क? नर्क मुझे तो लगता है, मुझे नर्क मिलेगा। आपके अच्छे और बुरे कर्मों पर ही आपको मिलने वाला फल निर्भर करता है। क्या सच में मनुष्यों को मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क में सुख या दुख भोगना पड़ता है, या फिर स्वर्ग और नर्क मानव जाति की कल्पना मात्र है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में स्वर्ग और नर्क होता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। स्वर्ग और नर्क क्या होता है? दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र मिलता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहां पुण्य आत्माएं रहती हैं, और नर्क वह स्थान जहां बुरी आत्माएं रहती हैं। कहा जाता है कि मरने के बाद पापी व्यक्ति को नर्क में यातनाएं देने के लिए और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं। वहीं जाकर उसके पाप पुण्य का हिसाब यमराज स्वयं करते हैं। इसी आधार पर यमराज उस आत्मा को स्वर्ग या फिर नर्क का स्थान प्रदान करते हैं। इसी तरह हर धर्म में ये धारणा है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है, जहां व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग और नर्क की धार्मिक व्याख्या। कुरान। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नर्क को दोजख या जहन्नुम। कुरान में कहा गया है कि जब इंसानों के द्वारा किए गए पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ जाते हैं तो उसे जन्नत का सुख नसीब होता है, और अगर गुनाहों का वजन ज्यादा हो तो उसे दोजख की सजा मिलती है। इस्लाम में नर्क को आग और दंड का मिश्रण बताया गया है। यहाँ आते ही आत्माओं को आग में झोंक दिया जाता है और बाद में उन्हें लोहे की छड़ी से मारा जाता है। बाइबल। ठीक इसी तरह ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नर्क में डेविल। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिन मृत इंसानों की आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता है, उन्हें आग की झील यानी हेल में ढकेल दिया जाता है। इन सब के उलट पारसी धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में ही जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है ये उनके द्वारा किए गए पाप पुण्यों पर निर्भर करता है। ये मुझे नहीं पता। स्वर्ग नर्क और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बताया गया है कि नर्क वह नहीं है जहां आपको दर्द दिया जाता है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन ही उसका नर्क है। हिंदू धर्म में संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन मरण के चक्र को दर्शाता है। यदि मनुष्य पुण्य कमाएगा तो उसे स्वर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि वह पाप कर्म करेगा तो उसे संसार मिलेगा, जो कि उसे जीने मरने के जाल से कभी भी बाहर नहीं आने देगा। ये आंसर है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्यों, मुझे तो ये याद है कि हमारी नानी जो थी, वो जब हम छोटे होते थे ना, रोज नानी के पास सब बच्चे सोने के लिए, सबको भैया हमें जाई जी के साथ सोना है और जाई जी कहानी सुनाएंगी, और जाई जी जो कहानियाँ सुनाती थी जब बहुत छोटे थे तो इसी टाइप की कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवान जी के पास जाओगे, और अगर नहीं होगा तो नर्क में आपको एक बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसमें तेल गरम गरम होता है, उसमें डालते हैं, फिर आपको मारते हैं, ये सब बताते थे और हम इतना डरते थे। हमें स्वर्ग से ज़्यादा ये पता करना होता था
सब बच्चों को नानी और नर्क में आता है, ऐसा होता है नानी, मुझे मतलब डर लग रहा है, मतलब मुझे अभी तक याद है सब बातें कि स्वर्ग तो अच्छा है पर नर्क गए तो क्या होगा तो, पर बहुत फर्क पड़ता है इससे बच्चों के अंदर, अगर शुरू से ऐसे बताया हो ना गलत काम करने का ऐसे होता है तो बच्चे डरते हैं और उनको पता चलता है रॉन्ग और राइट में भैया अच्छा काम करना चाहिए। राइट, देखिए अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में कोई मेंशन नहीं है स्वर्ग और नरक का, जो उन्होंने लास्ट में कहा था वो भगवत गीता में है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, अदरवाइज बैक टू सेम प्लेस, फिर आपका जन्म होगा अकॉर्डिंग टू आपके कर्मा, आपके कर्म के हिसाब से आपका जन्म होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े अमीर फैमिली में जाएंगे गरीब फैमिली जाएंगे, वो देख रहे हैं कि आप कितनी प्योर फैमिली जाते हैं कितनी इम्प्योर फैमिली में जाते हैं। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है तो उसका जन्म हो सकता है साधुओं की फैमिली में हो, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं बड़े भगवान में विश्वास रखते हैं, सारे रिलेटिव्स अच्छे हैं, सब बढ़िया है, ऐसी कहीं गांव में गया ऐसी जगह में सब लोग अच्छे हैं, वो एक है। दूसरा कि उस फैमिली में जहाँ पे सब चोर चक्के हैं, अमीर भी चोर चक्के हो सकते हैं गरीब भी हो सकते हैं, सब चोर चक्के हैं, चाहे वो बहुत अमीर हों बुरा कार्य करते हैं लोगों पे अत्याचार करते हैं, वैसे एक किंग का भी हो सकता है जिसमें सबको अत्याचारी हों, तो उस हिसाब से आपको मिलता है इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट या सब कुछ अच्छा अच्छा आपके ज़िंदगी में हो जाएगा, या बहुत ही टेढ़ा इन्वायरमेंट हर चीज़ प्रॉब्लम ही हो रही है, हर जगह पंगे पंगे पड़ रहे हैं, तो ये है। मगर भगवद गीता में तो यही लिखा है कि आपको कोशिश करनी है कि भगवान के पास जाएं, राधा दयन इसी साइकिल में घूमते रहें। मैं मुझे ये भी याद है नानी ये भी बताती थी, एक तो स्वर्ग नर्क भी बताया था, ऊपर से ये भी उन्होंने हमें समझाया था कि जब अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हें फिर से वापस उस दुनिया में आना पड़ेगा, और दुनिया में कई बार तो बोलते थे फिर मतलब तुम्हें फिर से वही पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी, सच तुमको ये सारा पढ़ना पड़ेगा फिर से, नहीं फिर नहीं तो ये भी बोलते थे कि अगर और भी गंदा काम किया होगा तो तुम कीड़े बन सकते हो, कोई जानवर बन सकते हो, ये सब भी बताते थे। भगवद गीता में है कि अगर आप बहुत बुरे कार्य करते हैं तो पॉसिबल भी आपका जन्म एज अ एनिमल हो जाए या और भी वर्स एज अ ट्री हो जाए पेड़, क्योंकि भगवान तब देख रहे हैं तुम इतने गए गुजरे हो कि पहले तुम्हें वापस स्टार्ट करेंगे एक प्लांट से, प्लांट से करके फिर एनिमल करेंगे, एनिमल से करके हाईएस्ट फॉर्म आ रही है मैन की, तो वो पूरा लिखा हुआ है। बट नॉर्मली हमारे रिलीजन में हिंदुज़म में स्वर्ग नहीं है, लोगों ने बना दिया, कई लोग अपने वर्जन बनाते हैं, बहुत ही गंदे हो गए तो तुम नर्क चले जाओगे, बीच में रहोगे तो वापस आओगे अच्छे हो गए स्वर्ग, क्योंकि इसमें लॉजिक बैठता नहीं। अगर मान लीजिए हेवन एंड हेल करते हैं तो हेवन एंड हेल में इतनी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाएगी, आगे क्या होगा, अनलिमिटेड पॉपुलेशन है क्या हेवन एंड हेल की, इतने सारे लोग आ रहे हैं मर रहे हैं सभी हेवन एंड हेल जा रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड नहीं, मुझे लगता है हो सकता है जनरेट हो रहे हैं, नहीं मुझे लगता है कि हेल के अंदर वो फिर क्या करते होंगे, पहले तुमको पनिशमेंट मिलेंगी कुछ टाइम, उसके बाद फिर तुमको एक और चांस देंगे, फिर धरती पे भेजेंगे तो हेवन वाले बैठे रहेंगे, मेरे ख्याल से तो ये तो वहाँ मतलब फ्लडिंग हो रही है, वहाँ जगह नहीं बन रही, तो ऐसा नहीं है, पॉइंट यही है। मतलब अगेन ये जो भी जिन्होंने मेडिटेशन की है जिन उससे जिनको नॉलेज आई है उन्होंने लिख दी है, अब आपके ऊपर है, कई लोग रियलाइज़ करते हैं, बट ये लॉजिक सही है कि अगर आप बुरे कार्य करेंगे या अच्छे नहीं करते उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेंगे तो बैक टू अर्थ आएंगे, और अगर अच्छे करते हैं तो चले गए भगवान के पास, तो भगवान जी के पास भी तो जा रहे हैं तो वहाँ नहीं आएगा फ्लड, नहीं भगवान जी के पास जा रहे हैं मतलब अब आप पार्ट ऑफ द भगवान जी बन गए, भगवान के साथ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, भगवान जी के साथ आपकी आत्मा उनके साथ आपकी, यू विल रिमेन, इसमें दो डिस्प्यूट हैं, एक फिलॉसफी बोलती है कि आप मर जाते हो भगवान के साथ, और दूसरी फिलॉसफी बोलती है कि आप ही रहोगे, आपकी आत्मा आप ही रहेगी, आप सिर्फ भगवान के साथ रहेंगे उनकी सेवा करेंगे, तो फिर वो तो वही हो गया, फिर जैसे बोलते हैं कि स्वर्ग के अंदर, जैसे स्वर्ग के अंदर इतने सारे हो रहे हैं तो फिर वहां पे भी तो इतने सारे, तो उसके बाद तुम्हें कार्य मिलेंगे, जैसे तुम कुछ कार्य करोगे ये कार्य करना पड़ेगा वो कार्य करने का, लाइक दैट। अच्छा भैया, जो भी है मतलब यही है कि अच्छे काम करो लाइफ में, अच्छे काम करो, नहीं तो पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।